नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। एक देश का मुद्दा है और दूसरा विदेश का मुद्दा है। देश का मुद्दा यह है कि मंदिर पॉलिटिक्स में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कमाल किया है, उसमें विपक्ष धराशायी है। विपक्ष के पास अब कोई चाल बची नहीं है और बिना सोची समझी चालों में विपक्ष उलझता जा रहा है। और अब ये मंदिर पॉलिटिक्स जो है वो देश के बाहर भी चली गई है। जहां इंडियन डायस्पोरा रहता है वहां पर भी अब ये पॉलिटिक्स गई है। और अब ये श्रद्धा और विश्वास का जो मामला है, हिंदू सनातन और राष्ट्रवाद की जो बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करते आए हैं, आरएसएस, अब ये टोटल मुद्दा बन गया है कि किस तरह से कांग्रेस राम मंदिर का किस तरह से बहिष्कार टाइप किया, इग्नोरेंस की कांग्रेस ने, और कांग्रेस दूर रही, कांग्रेस उसका कोई भी असर नहीं ले पाई। और अब यूएई में जिस तरह से स्वामीनारायण धाम का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसने अब विपक्ष के सामने और कड़ी चुनौतियां पेश कर दी हैं। और यदि हम और डीपली जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो राम मंदिर के इश्यू के बाद जागृत हुई, उसमें नई जान आई। सन 80 में जब जनसंघ से अलग होकर एक नया दल आरएसएस की तरफ से के लोगों ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी, 80 के चुनाव के लिए हम बात करें तो कोई विशेष सफलता नहीं मिली क्योंकि 80 में नई पार्टी थी। 84 में राजीव गांधी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं, कोई नाम लेवा सही मामला था, बस दो सीटें। और इसके बाद जैसे ही लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के राम मंदिर का मामला अपने हाथ में लिया, विश्व हिंदू परिषद के नेता लगे, और विश्व हिंदू परिषद जो है वो आरएसएस का ही अनुषांगिक संगठन है, आरएसएस ने अगुवाई की और रथ यात्रा निकाली गई सोमनाथ से अयोध्या की। इसके बाद गांव-गांव में शिला पूजन के लिए ईंटों का संकलन हुआ और लोग जुलूस निकालकर राम मंदिर के लिए धन और ईंट जुटा रहे थे। हर घर से एक रुपया और एक ईंट का संकल्प हुआ था। वो मोमेंटो ऐसा बना कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 के चुनाव के तुरंत बाद जो चुनाव हुए, इसमें लगभग कांग्रेस की बराबर सीटें आ गई और इसके बाद के चुनाव में कांग्रेस नीचे चली गई। कांग्रेस नीचे चल जाती रही जाती रही जाती रही। 2014 का चुनाव आपने देखा ही है। अब अयोध्या का रामलला विराजमान का जो मामला है, इसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल उलझ से गए हैं। ना उनसे कुछ कहते बन रहा है और ना कुछ बात करने लायक बन रहा है। वो हिंदुत्व, हिंदू, अपना हिंदुत्व, जय श्री राम की बजाय श्री राम बोलेंगे, ये सब करके देख लिया उन्होंने। लेकिन इस वक्त की जो लहर है, इस वक्त का जो माहौल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का माहौल जबरदस्त दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अयोध्या का रामलला जो टेम्पल है उसका बहुत जबरदस्त एक, आप यूं समझ सकते हैं कि एक माइलेज मिल गया है भारतीय जनता पार्टी। एंटी इनकम्बेंसी जैसी तो कोई चीज़, अभी आम चुनाव की बात हम कर रहे हैं 2024 की, जो अभी आने वाले हैं, अब तो 2 महीने ही रह गए हैं। इन चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। एक भी मुद्दा विपक्ष मौजूदा सरकार के ऊपर ऐसा नहीं ला सकी है जिससे कि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार घिर सके, उसको घेरा जा सके। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन एक भी मुद्दा आज तक कोई घपला घोटाला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ला नहीं पाए। राफेल से लगाकर ये जितने भी मामले गिनाए गए, चौकीदार चोर से लगाकर, साबित कुछ हुआ नहीं है। जबकि सब्सटेंशियल एविडेंसेस के साथ में कांग्रेस की सरकारों के टाइम घपले घोटाले उजागर हुए, जिसकी बात अभी संसद में निर्मला सीतारमण ने की, श्वेत पत्र की, और देश की जनता भी जानती है। इवन राजीव गांधी के टाइम बहुत सारी चीज़ें आई सामने, उनके प्रूफ्स आए,
और विश्वास किया जनता ने। इसीलिए 1984 का जो चुनाव, उसके बाद जो 89 में जो चुनाव हुआ, 1984 का चुनाव देखिए और 1989 का चुनाव देखिए। आप हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या हुई, इससे सीटों का थोड़ा इजाफा हुआ, सहानुभूति मिली कांग्रेस को, लेकिन इससे पहले के जो चुनाव हो चुके थे उसमें कांग्रेस पीछे चल रही थी। तो ये स्थिति मुद्दों के आधार पर बनी थी। राजीव गांधी लोकप्रियता खो चुके थे, मिस्टर क्लीन की जो उनकी जो इमेज थी वो खो चुके थे। तो यहां पर जो बात चल रही है इस वक्त 2024 के चुनाव को लेकर, मंदिर पॉलिटिक्स जो है वो भारी पड़ रही है विपक्ष के ऊपर। आज एक और जो मंदिर सामने आया है पूरे विश्व पटल के ऊपर, यूएई में, यूएई के अबू धाबी में, स्वामीनारायण टेम्पल, 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाए मंदिर अपने आप में भव्य तलिए हुए है। इसका अलग ही संरचनात्मक ढांचा देखने को मिला है लोगों को, किस तरह से उसकी नक्काशी की गई है मूर्तियों की, किस तरह से एक कला का बेजोड़ नमूना कारीगरों ने वहां रख दिया है यूएई की धरती पर, इस्लाम के गढ़ में, जो इस्लाम मूर्ति पूजा को गुना मानता है, अपराध मानता है, उसी इस्लाम के गढ़ में, उसी यूएई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लग चुकी हैं, मूर्तियां स्थापित हो चुकी हैं, और आज इन मूर्तियों की आरती भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूएई पहुंचे थे, वहां के राष्ट्रपति ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया, कल इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, मोदीमय हो गया था वातावरण। आज भी स्वामीनारायण टेम्पल का उद्घाटन करने जब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे, वहां पर इतने लोगों की भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, वो मोदी को देखना चाह रहे थे, मोदी से मिलना चाह रहे थे। मंदिर के दर्शन तो अब 18 को खुलेंगे। तो यहां पर बात यह है कि देश की धरती पर अयोध्या में मंदिर और यूएई का मंदिर, ये मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में काफी बढ़त दिलाने वाले लग रहे हैं। इसका एक और हम जिसको कहते हैं कि बैरोमीटर जिसको कहते हैं, वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं इसराइल के पक्ष में। इसराइल हमास जंग के पक्ष विपक्ष के ऊपर सर्वे हुआ, अभी हाल में 3 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी, मीडिया रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया 63% लोगों ने इसराइल के पक्ष में बात रखी। भारत में 63% इंडियंस ने, हमारे देश के नागरिकों ने, 63% लोगों ने इसराइल को सही ठहराया और पैलेस्टाइन जो हमास गुट है इसको गलत ठहराया। 21% हमास पैलेस्टाइन के साथ थे, 7-8% ने कुछ कहने से मना किया है, लेकिन ये जो 63% है ये वही वर्ग है जो कि राष्ट्रवाद की बात करता है और इसराइल भारत की दोस्ती का हामी है। इसराइल भारत की दोस्ती के समर्थन में खड़े लोग वही लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये वो लोग नहीं जो इसराइल की मान्यता के खिलाफ है। उसमें कांग्रेस का एक वर्ग है और दूसरा भारत में रहने वाले जो इस्लामिस्ट हैं। इस्लामिस्ट नहीं चाहते कि इसराइल नाम का कोई कंट्री बचा रहे धरती के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर इसराइल नाम की कोई कौम रहे, बनी इसराइल नहीं रहनी नहीं चाहिए, उसको उसकी हत्या कर देनी चाहिए और बनी इसराइल के लोगों को कोई कंट्री नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज ने इसराइल को मान्यता तक नहीं दी है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और भारत भी नरसिम्हा राव के आने तक इसराइल को मान्यता न देने वाले कंट्रीज में शामिल था, क्योंकि भारत में इस्लामिस्ट जो थे वो नेहरू जी के ज़माने से, इंदिरा जी के ज़माने से काफ़ी प्रभावी थे कांग्रेस में, और कांग्रेस का रूल हो तो फिर इसराइल को मान्यता कैसे मिले। लेकिन नरसिम्हा राव ने आकर ये जो नेहरूवियन पॉलिसी थी इसको पलटा और इस्लामिस्ट को धता बताया, और पीयू नरसिम्हा राव ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, इसराइल को मान्यता ही नहीं दी, इसराइल के साथ बायलेटरल रिलेशंस भी बढ़ाए, और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसमें और इजाफा किया। आज भी हम दबे छुपे हमास का समर्थन इसलिए करते हैं कि ये जो गल्फ के कंट्री हैं यहाँ से हमें ऑयल लेना पड़ता है, और बनी इसराइल के खिलाफ जो इस्लामिस्ट कंट्री हैं वो करीब 50 से ज़्यादा हैं, यानी एग्जैक्ट यदि बात करें तो 58 है, लेकिन 50 कंट्री ऐसी हैं जो बनी इसराइल से नफरत करते हैं।
वो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की वजह से, इस्लाम के कोर टेनेट्स की वजह से, प्रॉफेट के ज़माने से। तो बनी इसराइल के लोगों को कंट्री नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। भारत में 63% लोगों ने इसराइल के पक्ष में बात रखी। इसके सीधे सीधे मायने ये होते हैं कि जो काम नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी या लालकृष्ण अडवाणी करना चाहते हैं, करना चाहते थे, भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाना, भारत में गांधी जी के रामराज की बात करना, हिंदू सनातन की बात करना, और पीवी नरसिम्हा राव की यदि हम और आगे बढ़कर बात करें तो ये जो आज राम मंदिर बना है, ये जो बाबरी ढांचा ढाया गया था उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। नरसिम्हा राव के बारे में एक बात और लोग कहते हैं कि वो पहले आरएसएस के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन यदि हम इस बात को अलग भी करते हैं तो भी कांग्रेस में धुर दक्षिणपंथी जो लोग थे उनमें पीवी नरसिम्हा राव एक स्टॉन्च हिंदू के तौर पर सामने आते थे। यदि कांग्रेस की शुरुआत की बात करें तो कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी कहलाती थी और मुसलमानों की थी लीग, हिंदुओं की थी कांग्रेस और मुसलमानों की थी लीग। तो कांग्रेस में स्टॉन्च हिंदूवादी लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, भाई महावीर जैसे, सेठ गोविंददास जैसे, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये लोग वो लोग थे जो कि हिंदू सनातन की बात करते थे। इसीलिए देश जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, सोमनाथ का टेंपल बन सका। उस वक्त ये जो पंडित नेहरू हैं, जो कि अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे और वो कहते थे कि मैं कल्चर में मुसलमान हूँ और सोच में इंग्लिश हूँ और जन्म मेरा एक्सीडेंटल हिंदू में हो गया है, उन्होंने सोमनाथ टेम्पल की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी लोग थे जो कांग्रेस में काम कर रहे थे, इन्होंने सोमनाथ का टेम्पल तैयार कराया और वही लेगेसी आ रही है जो कि आरएसएस और बीजेपी में है। हालांकि आरएसएस बीजेपी भी बीच बीच में इस तरह के इश्यूज से टाटा बाबाई कर लेती है, काशी विश्वनाथ वाली बात अभी ज्ञानवापी में चल रही है, उससे में आपने देखा होगा, मथुरा वाला श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात है। ये बात अलग है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन मामलों में अपना पक्ष और अपना रुख स्पष्ट रखते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो समय देखकर बात करते हैं। लेकिन बहरहाल जो अभी माहौल चल रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं कि 63% जो लोग हैं वो इसराइल के पक्ष में हैं। आप ये मानकर चलिएगा कि ये जो 63% इसराइल के पक्ष में जो लोग हैं, ये राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के वोटर हैं। अब इन 63% में कितना वोट ट्रांसलेट होकर बूथ के ऊपर जाएगा, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी, क्योंकि 100% हमारे यहाँ वोटिंग नहीं होती है। तो मान लीजिए कि 60 हम यदि कई बार आंकड़े देखते हैं, 75% के आसपास ऑन एन एवरेज मतदान हो रहा है, तो 75% 63 का 75% मेजोरिटी की सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। जो लोग ये बात कर रहे हैं अभी कि 350 पार, तो ये 350 पार होता हुआ आंकड़ा लग रहा है। अब इसमें विपक्ष उलझ गया है और ये विपक्ष इसलिए उलझ गया है कि इनके सामने अब कोई मुद्दा नहीं है। यदि ये मंदिर के मामले में थोड़ा सा भी सॉफ्ट रुख रखते हैं, अब इनको डर ये है कि ये बीजेपी के पाले में आकर खेलेंगे तो इनका क्या होगा, क्योंकि उस खेल में तो बीजेपी माहिर है, उस खेल के तो चैंपियन है बीजेपी। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो लोग इस उम्मीद में हैं कि कुछ तो बोले विपक्ष, विपक्ष को इस देश में रहने वाले जो जागरूक लोग हैं वो रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी एक दल का इतना आधिपत्य ना हो जाए कि फिर वो कहीं तानाशाही की तरफ चला जाए। और ऐसा हुआ भी है हमारे यहाँ, एक तरह की मेंटल डिक्टेटरशिप टाइप की जो चीज़ रही। पंडित नेहरू ने भी कोई ज़्यादा लोगों को घास नहीं डाली, इंदिरा जी ने भी, आपने हमने सबने देखा, इंदिरा जी लोग कहते थे कि इंदिरा जी के सामने कौन बोले। तो ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष नहीं चाहते, हमारा देश नहीं चाहता, लेकिन विपक्ष को थोड़ा सा देश की जो मुख्य नब्ज है उसको भी टटोलते रहना चाहिए। जब भी कभी बात आएगी तो
तो ये खालिस्तान वालों के साथ कोई समर्थन वाली बात करेंगे? ये जो जम्मू कश्मीर में हमको क्या चाहिए आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने वालों के साथ जाएंगे? तो ये इस तरह के जो लोग हैं इनको ये सोचना चाहिए कि न्याय यात्रा में भी, अभी तक आपने देखा कि राहुल की न्याय यात्रा के बारे में कोई खबरें भी आना बंद हो गई लगभग, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ना कोई मुद्दा है ना कोई एजेंडा है, पैदल घूम रहे हैं। तो घूमते रहिए, उधर पूरा देश अयोध्या देख रहा था और ये साहब उधर जा रहे थे, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो यहां पेच उलझ गया है विपक्ष के लिए। यदि इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस में अब कोई जान बची नहीं। नीतीश बाबू जो एक तरह के संयोजक हो सकते थे इनके लिए, वो एनडीए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। केजरीवाल का खुद का आता पता नहीं है कि उनका क्या होने वाला है। ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ कोई काम करना नहीं चाहती है। और हाल ये आ गए हैं कि सोनिया गांधी को अब एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़कर राजस्थान की शरण लेनी पड़ गई है। अशोक गहलोत ने राजस्थान की राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है यहां से सोनिया गांधी को भेजने का प्रस्ताव दिया, और उन्हीं की लोबी के जो गोविंद सिंह डोटासरा एंड कंपनी है ये वहां गए और ये प्रस्ताव हुआ। आज सोनिया गांधी ने यहां राज्यसभा का अपना नामांकन भर दिया है। यह हालत है, यानी कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी ही जब एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग हो रही हैं, वो खुद ही लोकसभा के चुनाव को कंटेस्ट नहीं कर रही हैं, तो फिर इस पार्टी का क्या होने वाला है? इस पार्टी में ऐसा एक भी नेता नहीं दिखाई दे रहा है जो पैन इंडिया प्रचार के लिए जा सके, जिसकी पूरे भारत में लोग सुने उसको। राहुल गांधी की बात आप हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से फिर हंसी उड़वाते हैं अपनी, खुद ही खुद की बोली भाषा में फंस जाते हैं। सोनिया गांधी का एक पहले थोड़ा माना जाता था कि सोनिया गांधी को लोग देखने तो आते ही हैं, कम से कम सुनने नहीं। तो अब सोनिया गांधी जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, वही राजस्थान आकर राज्यसभा की शरण ले रही हैं और रायबरेली छोड़ रही हैं। अमेठी इनसे छूट ही गया पहले गांधी परिवार से, वहां से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी को विदाई दे ही दी। तो ये जो इनका गढ़ था वहां पर भी इनको भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं। अब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा ये नीचे उतरेगा और जनता के बीच जाएगा, और वोटर्स में ये बात आएगी कि इनके तो नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं कि ये जीतेंगे, तो ये चुनाव नहीं लड़ रहे इसलिए। तो ये बात जब आम वोटर के पास जाती है तो आम वोटर ये चाहता है कि उसका वोट वेस्ट नहीं हो, और वेस्ट वोट कोई नहीं चाहता है। वो विचार करेगा कि मैं विपक्ष को दूं, लेकिन मैं ऐसे विपक्ष को क्यों दूं जो खुद ही लड़ा नहीं चाहता। लड़े तो सही, आप हम सब जानते हैं कि संघर्ष हो तो संघर्ष करने वाला आगे होगा, तब कोई साथ लगते हो, संघर्ष करने वाला ही पीछे हट रहा है। सोनिया गांधी राजस्थान आ गई हैं, राज्यसभा से निर्वाचित होकर जाना उनका तय है, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल है जिससे कि एक सीट उनकी पक्की निकल जाएगी। तीन सीटें खाली हो रही हैं, दो बीजेपी को मिलेंगी, एक कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस को सोनिया गांधी। ये स्थिति बन गई है विपक्ष की। तो इंडिया अलायंस तो आप भूल जाइए, कांग्रेस को खुद को अपने जो पुरोधा हैं, जो अपने आला कमान है, प्रथम परिवार है, उसको एडजस्ट करने की नौबत आ गई। और कोई बड़ी बात नहीं कि आगामी दिनों में राहुल गांधी यदि चुनाव हार जाते हैं कहीं से, यदि कोई मुस्लिम बहुल सीट से लड़ते हैं तो जीत जाए, ऐसा लग रहा है। अभी भी ये जो सीट इनके पास है ये वैसी सीट है। तो यदि केरल में कम्युनिस्टों ने साथ दे दिया तो जीत सकते हैं, अन्यथा हो सकता है कि राहुल गांधी भी कर्नाटक से राज्यसभा में चले जाएं, क्योंकि वहां पर भी संख्या बल तो है इनके पास। ये स्थिति है इनकी। तो दो जो प्रमुख लोग हैं, अब यह हो सकता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े हैं और लोकसभा का तो हो भी सकता है, लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है वो ये कि सोनिया गांधी के रहते प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में लाना नहीं चाहती हैं सोनिया, ये भी बात है। वो अपने बेटे को आगे करना चाहती हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि कितने बार एक प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे आप, प्रोडक्ट आपका नहीं चल रहा। तो यदि प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो फिर वो राष्ट्र की मेन स्ट्रीम की जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है उसमें आ सकती है, लेकिन उनको यूपी का जिम्मा दे रखा है तो
ये भी बात है कि यूपी की चीफ मिनिस्टर बनाने का इतना था मकसद पहले से कि ठीक है एक हमारी बेटी यूपी की चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये तो रही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कहानी कि ये स्थिति आ गई है विपक्ष की कि अब मंदिर ने इनकी सारी की सारी रणनीति को लील लिया है तुमसे, और ये गर्मा गर्म मामला है दोनों मंदिरों का। आज इंडियन डायस्पोरा में जिस तरह से वहाँ माहौल था, यूएई में जबरदस्त था, वो उसका असर आएगा भारत में। होता यह है कि वहां रहने वाला जो व्यक्ति है उसका परिवार, उसका बैक होम यहाँ है। आज स्वामीनारायण टेम्पल के जितने भी सेंटर हैं उनकी एक साथ वैश्विक अर्चना हुई है। संदेश ये था ग्लोबल वॉल के ऊपर और इस आरती का कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम है। और ये बात पूरे वर्ल्ड में रहने वाले जो हमारे भाई लोग हैं इंडियन जनसमुदाय के, इंडियन डायस्पोरा के, उनके मनों में बात आई है आज, और बैक होम मैसेज होंगे आज, ईमेल, फोन। तो ये माहौल विपक्ष के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के लिए जानलेवा साबित होने वाला है। इसके लिए कांग्रेस को कुछ करना चाहिए। अब एक बात हम पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी हालत अभी तक क्लियर तो नहीं है, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान की पार्टी को अब विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो शहबाज शरीफ होंगे, और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पार्टी है, वो शहबाज शरीफ की पार्टी को बाहर से समर्थन देगी है, दे रही है। ये फार्मूला लगभग लगभग तय माना जा रहा है। तो पाकिस्तान की जिस तरह की स्थिति बनी, 93 के आसपास सीटें इमरान खान के पास हैं, और ये दोनों दल मिलकर 73 और 45, ये जो दोनों मिलकर यदि बात करते हैं तो ये बना लेंगे सरकार, क्योंकि कुछ निर्दलीय भी आ गए हैं जो इमरान खान के उसमें थे पहले खेमे में। तो कुल मिलाकर सरकार इनकी बनती हुई नजर आ रही है, और इसमें नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो पार्टी है, उसने अब ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है। नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी है। तो इससे नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेज लगे हुए हैं उनका भी अभी कोई असर नहीं दिखेगा, और इमरान खान का जो आरोप है कि नवाज शरीफ भ्रष्ट है, उसने घपले किए हैं, घोटाले किए हैं, तो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेज तो चल ही रहे हैं, और वो 4.5 साल बाहर भी रहे, तो नवाज शरीफ को क्लीन चिट अचानक से मिल जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी। ये नवाज शरीफ के खिलाफ जो एकदम अगेंस्ट पॉलिटिक्स शुरू कर देगा इमरान खान, तो नवाज शरीफ ने एक चाल खेलते हुए अपने छोटे भाई, जो कि शहबाज शरीफ बेसिकली नवाज शरीफ का एक तरह से छोटा भाई नहीं है, वो सेकंड लेफ्टिनेंट है, वो आप देखिएगा कि अभी भी प्रधानमंत्री बनेगा तो नवाज शरीफ के बारे में बात करेगा, सारा क्रेडिट उसको देगा। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पार्टी है, जो बेनजीर भुट्टो की, आसिफ अली जरदारी की जो पार्टी है, पहले एक फार्मूला था कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बिलावल भुट्टो जो हैं उनको विदेश मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन जरदारी की पार्टी ने कहा कि बिलावल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, चूंकि आप लोगों के ऊपर आरोप हैं तो बिलावल को बना दो। इसके ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तो जरदारी एंड कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हम बाहर से समर्थन देंगे, हम सरकार के अंदर शामिल नहीं होंगे, हम कोई पोर्टफोलियो नहीं लेंगे। इसके दो मायने हैं। एक मायना ये कि कालांतर में आर्मी के साथ यदि इमरान खान की सेटिंग हो जाती है तो बिलावल भुट्टो जो है उसने अपने कार्ड्स अभी ओपन रखे हैं। हो सकता है कि 1-1.5 साल के बाद आर्मी का नवाज शरीफ एंड कंपनी से मोह भंग हो जाए, कोई काम ऐसे हो जिसमें कि दोनों के अलगाव हो जाए, टूट फूट हो जाए। ऐसे में आर्मी वहां की कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है इन पॉलिटिशियंस को, वो फिर इमरान खान को और बिलावल भुट्टो को साथ ले आएंगे और नई सरकार बना देंगे। इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, बिलावल को बना देंगे, या इमरान खान को ही बना देंगे, बिलावल विदेश मंत्री हो जाए।
ये संभावनाएं पाकिस्तान में बन रही, क्योंकि आर्मी ने अब ये दिखा दिया है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे राजस्थान में सोनिया गांधी आई और अशोक गहलोत वहां मौजूद थे नामांकन पत्र के टाइम, जिस तरह से ये मैसेज दे दिया गया है कि सचिन पायलट का कोई लेना देना नहीं है, जब तक सोनिया गांधी है अशोक गहलोत रहेंगे दिल्ली के आदमी, ऐसे ही पाकिस्तान में सेना ने पूरा मैसेज दे दिया है, इमरान खान आउट, हम जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे, नतीजे चाहे कुछ भी हो, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। आर्मी ने अपनी पूरी माइट दिखाई है और पलड़ा आर्मी का फौज का पूरा भारी पड़ा है, इमरान खान जेल में ही बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, खूब धरने प्रदर्शन हो गए अब नहीं हो रहे, सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया गया, सब कुछ सेट कर दिया गया। नवाज शरीफ एंड कंपनी को भी मैसेज कि तुम्हारी सरकार अल्पमत की सरकार है, मेजोरिटी नहीं तुम्हारे पास, हम जो कहें हम जो डिक्लेरेशन दें वो लेता रहिएगा, अन्यथा अदरवाइज हम हमारा दूसरा खेल कर देंगे, नई पार्टी इमरान खान की इसी पार्टी का नाम दूसरा करके और सबको साथ ले आएंगे। ये होता है पाकिस्तान में, आज तक पाकिस्तान में 5 साल कोई सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, तो अभी भी हालत ऐसी ही करके रखेंगे आर्मी वाले। बहरहाल शहबाज शरीफ जो कि अभी हाल में प्रधानमंत्री थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री कह सकते हैं हम, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर सरकार के पहले, पाकिस्तान में एक व्यवस्था है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार का कार्यकाल पूरा होते ही ये आर्मी की तरफ का है सवाल, आर्मी ही ने यह कर रखा है घोटाला। जैसे भारत में चुनाव में जाते समय भी जो सरकार में लोग होते हैं वो सरकार में ही रहते हैं, वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, जब तक कि उनकी पार्टी को बहुमत न मिले तब जाकर वो फिर इस्तीफा देते हैं, अन्यथा बहुमत में आ गए तो वापस प्रधानमंत्री। अनलाइक इंडिया, अनलाइक दिस अरेंजमेंट, पाकिस्तान में कुछ दूसरा है, पाकिस्तान में कंप्लीट गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है चुनाव में जाने से पहले, और एक केयर टेकर सरकार की संरचना होती है। अब केयर टेकर सरकार बनाता कौन है, अगेन फौज, स्टेट्स में भी प्रोविंस की जो सरकारें हैं उसमें भी यही हाल है कि वहां भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा, केयर टेकर सरकार कौन बनाता है, आर्मी, तो चुनाव किसके अंडर में होंगे, केयर टेकर सरकार के, केयर टेकर सरकार किसका कहना मानेगी, फौज का, तो रिजल्ट किसके आएंगे, जिसका फौज चाहेगी, ये खेल हो गया। इमरान खान की पार्टी को यदि फौज चाहती तो 5 सीटें भी नहीं आती, फौज का इतना बड़ा माइट है वहां पर, केयरटेकर सरकार थी इनकी, आप देखिए जरा, बाप पार्टी है बलूचिस्तान की जिसके मामूली नुमाइंदे हैं, उसके व्यक्ति को केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया, ये जो काकड़ है, इसके मायने क्या है, इसके मायने ये हैं कि कठपुतली केयरटेकर पीएम होगा, चुनाव में हम जो चाहेंगे होगा। भारत में ईवीएम से चुनाव होता है, पाकिस्तान में आज भी बैलेट पेपर से होता है, और भारत में आपने देखा है बैलेट पेपर की स्थिति क्या थी, बैलेट पेपर की पेटियां लोग ले जाते थे, दूसरी पेटियां रिप्लेस कर जाते थे, तो ये स्थिति है। अब वहां पर निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जरदारी की पार्टी बाहर से समर्थन देगी, और मरियम नवाज जो नवाज शरीफ की बेटी है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर होगी। मरियम नवाज बहुत ज़्यादा आक्रामक रही है, आपने देखा होगा मरियम नवाज को, इमरान खान से वो घबराई नहीं, अकेली थी वो जो लड़ रही थी इमरान खान से, और पंजाब में बहुमत में भी आई है वो, तो मरियम नवाज काफ़ी संघर्षशील लेडी लगी, जुझारू लेडी लगी, उसको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और सब कुछ यदि आर्मी के कंट्रोल नहीं रहा तो अब हो सकता है कि भारत के प्रति कुछ वहाँ पर जिसको कह सकते हैं आप व्यापार कारोबार का, और ये जो मामला चल रहा है इसमें काफ़ी सुधार होगा, इंडो पाक रिलेशंस में काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, ये लोग बेसिकली व्यापार कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान में स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, आर्मी को न छेड़ते हुए
डेमोक्रेसी के हिसाब से कुछ काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट का काम ही करना चाहते हैं, इनका मुख्य एजेंडा यही रहता है। ये ज़्यादा तालिबानी एटीट्यूड में नहीं रहते हैं, इमरान खान तालिबान खान है। और दूसरी बात ये कि ये जो ट्रायंगल है यूएस इंडो पाक, इसमें भी काफ़ी आगे बढ़ती हुई चीज़ें दिखेंगी आप, क्योंकि इमरान खान प्रो चाइना है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं और फौज वहाँ की, ये प्रो अमेरिका है। तो प्रो अमेरिका होने से भारत के साथ में संबंधों का जो मसला है, व्यापार कारोबार का होगा, ये सब सुधर जाएगा। अमेरिका किससे बढ़ जाएगी वहाँ पर, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी कुछ संबंधों में आगे बढ़ती हुई तस्वीर दिखेगी आपको। और आपको ये भी लगेगा कि अमेरिका कहीं वापस पाकिस्तान को गोद में तो नहीं बैठा रहा है, देखेंगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत भारत की रहेगी और पाकिस्तान जैसा उनका बच्चा है वो साथ चलता ही है, चलेगा आगे। ये वहाँ की पॉलिटिक्स इस तरह की सामने आ रही है और देखने वाली बात ये रहेगी कि एक दो दिन में ये घोषणा वहाँ केयरटेकर पीएम की तरफ से होएगी और फिर शपथ ग्रहण वगैरह जो भी वहाँ का कायदा है वो होगा। तो ये हमारे पड़ोसी देश में कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और इमरान खान का जो वो जो टैंकर के ऊपर चढ़कर जो भाषण वाषण का काम था वो अब बंद हो गया है और पाकिस्तान हो सकता है कि इकोनॉमिकली भी फाइनेंशियली भी पटरियों पर आ जाए और उसकी गाड़ी चल पड़े, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान की आम आवाम को बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ रहा है और ये संकट मानवता के लिए ठीक नहीं है। दवाइयाँ नहीं हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ी हुई है, 300 सवा 300 रुपये का पाकिस्तानी रुपए का एक डॉलर है, यानी कि आप इसको यूँ देख सकते हैं कि भारतीय रुपया करीब 350 रुपये का, पाकिस्तानी 350 रुपये हैं एक भारत के 1 रुपए के, भारत का 1 रुपया पाकिस्तान का 350 रुपये का इस वक्त मामला है। तो देखने वाली बात है। अभी जैसे दवाइयों का है, हमारे यहाँ से दवाइयाँ खूब जाती हैं पाकिस्तान को, तो और बढ़ जाएंगी फल सब्जियाँ जो एक्सपोर्ट होती हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि पाकिस्तान हो सकता है कि थोड़ा ठीक से एक पॉलिटिकल केओस से निकल कर एक नेशनल स्टेट की तरह से बिहेव करने लग जाए और अच्छा काम होने लग जाए। हम भी चाहते हैं पड़ोस में शांति रहे और हमारे साथ छेड़छाड़ ना करे तो ठीक है, बना रहे, नहीं तो हम फिर जो इलाज है हमारी भी सरकारें सोच ही रही हैं। POJK की बात जो है वो तो पाकिस्तान के साथ चली रही है हमारी, देखेंगे क्या होता है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।